हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरत सिलेक्शन मेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँ आपसे कि पिछले 2 दिन से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पाई हैं या रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं मिल पाई हैं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि मैं थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस जो हैं वो 2 दिन की मिस हो गई और मैं आप लोगों को कोई सही समय पर रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो आप इस बात को मन से, ख्याल से निकाल दीजिए कि सर आपने पढ़ाना बंद कर दिया है या नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी प्रकार की आकस्मिक दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से बात नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वास्तविक रूप में जो 2 दिन का आपका लैप्स हुआ है उसको मैं किसी प्रकार से कवर करने का प्रयास करूँगा। और आज आप लोगों की जो बहुत ज़्यादा डिटेल थी, डिमांड थी कि सर मेंस के लिए जो निबंध लेखन है वो कैसे किया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट निबंध लेखन के विषय लेकर के आया हूँ, जिनसे अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ आता है तो आपको शायद मुख्य रूप से सहायता मिल सकती है। तो चलिए, इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का विषय। और विषय में जो प्रश्न है, या कह सकते हैं जो टॉपिक दिया गया है, वो टॉपिक है क्या स्मार्ट सिटी जैसी संकल्पनाएँ वास्तव में मूर्त रूप ले सकती हैं। तो स्मार्ट सिटी, आप जान रहे हैं कि आजकल एक विशेष प्रकार की संकल्पना है। हाँ, शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर क्या सच में स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट बन पाएंगी, इसके बारे में ये टॉपिक है। तो शुरुआत में कैसे लिखा जाए, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी रहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में या कहीं पर भी आप जब लिखते हैं और आपको किसी प्रकार से कोई कोटेशन याद आता है जो संबंधित है उस टॉपिक से और सुव्यवस्थित है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपको आता है तो आप करेंगे, तो ये एक अलग छाप छोड़ता है एक एग्ज़ामिनर के मन में, एक परीक्षक के मन में ये थोड़ा सा एक अलग छाप छोड़ता है। लेकिन यदि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भी आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं कि आप सीधे लेखन में आएँ। बाकी मेंस में लिखा कैसे जाता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। किसी को ये सीखना हो कि निबंध लेखन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए मैं अलग से टॉपिक क्रिएट कर दूंगा। अदरवाइज़ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसीलिए मैं ये लेक्चर यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत करी है एक कोट से, जिसमें लिखा हुआ है, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है कर्ज की किश्तों में। मतलब यहाँ पर आप जब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जब आप स्मार्ट सिटी के बारे में सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो स्मार्ट का मतलब है कि हर चीज़ सुव्यवस्थित हो। क्या हो? हर चीज़ सुव्यवस्थित हो। और यहाँ पर एक छोटा सा दर्द दिखाया गया है, या एक विशेष प्रकार की कथन यहाँ पर दिखाया गया है कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना भी कहीं ना कहीं गांव से निकलती है। और जब आपके गांव से लोग शहर में जाते हैं, यहाँ के लोगों को स्मार्ट बनाता कौन है? यहाँ के गांव के लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शहर का पेट भी भरने वाला कौन है? गाँव है, खेत है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर जो है ध्यान में रख करके इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आखिर किस प्रकार की दंश आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर इन शब्दों में गांव के, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम मैटर और पैटर्न की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो आप कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के साथ में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप जब जैसे शहरीकरण की वहाँ पर बात करी जा रही है, तो आप थोड़ा सा सामाजिक होते हुए, सामाजिक शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ पर जैसे शुरुआत कर सकते हैं, वस्तु को उठा सकते हैं कि आजकल जो शहर हैं वो रोशनी से भरपूर हैं। आपको मालूम है हर जगह चकाचौंध है, और ये जो चकाचौंध शहर की जो रोशनी है, ये न जाने कितने घरों के चूल्हे जलाती भी होगी और न जाने कितने घरों के चूल्हे ये बुझाती भी होगी। यानी खतरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और सर्वाइव करने के रीजंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ भागा दौड़ी है, लोगों की इच्छाएं और शहरों की उलझने आपस में मिक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कच्चे घर के लोग अब पक्का मकान चाहते हैं, पक्के मकान के लोग बड़ा मकान चाहते हैं, और इतना ही नहीं, बड़े मकान के लोग गांवों की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं, गांवों की तरफ आना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। चुनौतियां तो हैं निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी को बनाने में, जैसे कि शहर की तरफ लोग बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ने के साथ साथ शहर में गंदगी और कूड़े का ढेर भी लगातार
बढ़ता चला जा रहा है, मलबा ही मलबा हर जगह जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विषय वस्तु को और बढ़ाते हुए आप कुछ परिणामिक डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जब शहरीकरण की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि कितना शहर है हमारे देश में और कितना गाँव है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग लगभग वर्तमान जनसंख्या में देखा जाए तो 68% आबादी जो है वो आज भी गाँव में है और लगभग लगभग 31% आबादी जो है वो आपकी शहर में रह रही है। लेकिन हम बात शहरीकरण की कर रहे हैं तो शहर का जो योगदान है जीडीपी में अगर देखा जाए तो ये योगदान लगभग लगभग आपका 63% है, ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो। लेकिन सरकार ने नए लक्ष्य जो है इसके लिए रखे हैं। मसलन अगर देखा जाए तो वर्ष 2030 तक शहरों की आबादी का प्रतिशत 31 से बढ़कर के 40% तक हो जाएगा, संभावना है ऐसी। और साथ ही साथ इसका जीडीपी में योगदान जो है अगर 40% ये होता है तो जीडीपी में योगदान लगभग 70% होने की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। तो ये जो बढ़ी हुई आबादी है, ये जो इतनी आबादी यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगी, जीडीपी में योगदान तो एक अलग मैटर हो गया, पर ये जो बढ़ी हुई आबादी है इसके लिए भौतिक संसाधन कौन जुटाएगा, भौतिक संसाधनों को जुटाना, ठीक है, भौतिक संसाधनों को जुटाना एक चुनौती है, सामाजिक एक चुनौती है। सामाजिक चुनौती का मतलब यहाँ पर सामाजिक रूप से व्यवस्थित करने की चुनौती है, आर्थिक रूप से व्यवस्थित इन लोगों को करने की चुनौती है सरकार के सामने, ठीक है। तो इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं और ये सब कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने का प्रयास करता है। किसके बेसिक स्ट्रक्चर को, ये बुनियादी ढांचा जो है बनाता है किसका, स्मार्ट सिटी का, यानी आपको एक स्मार्ट सिटी में एटलीस्ट सभी प्रकार के भौतिक संसाधन, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और सुरक्षा जो है, ये स्मार्ट सिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि होने बहुत ज़रूरी हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन जगहों को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी जिसको कह सकते हैं आप, प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं, जो आपकी गुणवत्ता है उसमें सुधार ला सकते हैं, आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आती हैं। अब मुख्य बात यह है कि स्मार्ट सिटी जो है ये कहीं ना कहीं शहरों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देता है। लोगों को प्राथमिकता देने का मतलब उनका समय जो है ख़राब ना हो, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो किन के लिए है सब ये, इस सब लोगों के लिए है, लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्थानीय विकास को सक्षम और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उसको आर्थिक गति को देने हेतु भारत सरकार की दृष्टि से या ओर से अभिनव पहल है। और ये अभिनव पहल किस चीज़ की है, स्मार्ट सिटी की है। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो स्थानीय विकास है और ये सारी चीज़ें जो हैं उसको देने का प्रयास भारत सरकार कर रहा है। ये कुछ, अब देखिए इसमें जो राइटिंग का वे है, लिखने का जो तरीका है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। इस स्टेटमेंट में जो शब्द हैं वो तारतम्यता को बनाए रखे हैं और इसके आगे जुड़ने वाला जो सेंटेंस है वो भी पिछले इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण के तहत हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज़ पर आपको चर्चा करी थी कि स्मार्ट सिटी में लोगों को आवश्यकता इनके अनुसार पूरी की जाएगी और इस तरीके से पूरी की जाएगी, ठीक है। तो ये सब इस तरीके का लिखने का आपका तरीका हो सकता है। अब ये स्मार्ट सिटी है क्या चीज़, क्या होती है स्मार्ट सिटी जैसी चीज़ें, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो आप सब लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा प्राचीन इतिहास की तरफ अगर हम ले चलें तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कुशल जल प्रबंधन देखने को मिलेगा, कुशल नगरीकरण आपको देखने को मिलेगा, शहरीकरण देखने को मिलेगा, व्यापार व्यवस्था कुशल देखने को मिलेगी। तो स्मार्ट सिटी में अच्छा ये सब काम वो कैसे करते होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास भी इस तरीके की प्रणाली रही होगी कि लोगों के डेटा उनके पास रहे हों, संभवतः उन्होंने लिखा भी होगा पर हम नहीं पढ़ पाए।
तो कुछ उसी प्रकार की एडवांस सिस्टम हम लोगों को प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसे एक स्मार्ट सिटी वह शहरी क्षेत्र है जहां सेंसर का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉनिक डेटा का उपयोग से वहां के संसाधनों का कुशलतम प्रबंध किया जाता है। तो देखिए, स्मार्ट का मतलब ही क्या हो गया कि आप किसी भी रिसोर्स का अगर जो है बेहतरीन कुशलतम प्रबंध अगर आप कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको वो स्मार्ट कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। और सिटी अगर ऐसा काम कर रही तो वो स्मार्ट सिटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये डेटा की बात जब यहाँ पर करी गई है तो यहाँ पर लिखा है इन संग्रहित डेटा को, ये डेटा लिखना चाहिए था यहाँ पर, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, ये डेटा है, डेटा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। डेटा के अंतर्गत नागरिकों के डाटा आएंगे, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से सृजित डाटा आएंगे, परिसंपत्तियों से एकत्रित डाटा को शामिल किया जाएगा और इन डाटा का प्रयोग यातायात के प्रबंधन में, परिवहन प्रणाली के प्रबंधन में, विद्युत संयंत्रों के प्रबंधन में, जल आपूर्ति, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, वही कूड़ा करकट वाला जो ढेर लगा हुआ है उसके प्रबंधन की आवश्यकता है। ये नहीं कि कूड़ा चीज़ कूड़ा नहीं है, उसको भी वास्तविक रूप में किसी न किसी फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूटिलाइज कर सकते हैं। विधि प्रवर्तन होना चाहिए, सूचना प्रणाली होनी चाहिए, स्कूलों, पुस्तकालयों और अस्पतालों आदि का जो निगरानी है उसका प्रबंधन कुशल रूप से होना चाहिए, कैमरे वगैरह आदि की जो है वो व्यवस्था कायदे से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब काम जो हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ सकते हैं अगर ऐसा प्रबंधन किया जा रहा है तो। अब अगर इसके अगर हम यहाँ पर कहें कि सर वास्तविक रूप में स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है, तो भाई वास्तविक रूप में तो स्मार्ट सिटी की कोई परिभाषा है नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके कुछ ना कुछ जो हैं वो मानदंड हैं। उन मानदंडों को मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपको डिस्कशन किया कि एक स्मार्ट सिटी जो है वो किस प्रकार की हो सकती है, ये वो मानदंड मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर और ध्यान रखने होंगे, जैसे स्मार्ट सिटी के समाधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो स्मार्ट सिटी के समाधान में ई गवर्नेंस की सुविधा आ सकती है, नागरिक सेवाएं आ सकती हैं, अपशिष्ट प्रबंधन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था वो आ सकता है, जल प्रबंधन आ सकता है, ऊर्जा प्रबंधन आ सकता है, वित्त पोषण, ये एक तरीके का बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको चैलेंज के अंतर्गत भी रख सकते हैं और स्मार्ट सिटी समाधान के अंतर्गत भी रख सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य समन्वय, ये भी अपने आप में एक चैलेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये एक चुनौती भी हो सकती है सरकार के सामने और ये एक समाधान के अंतर्गत आने वाला पॉइंट भी है। टेलीमेडिसिन एवं शिक्षा वगैरह जो है, व्यापार वगैरह जो है, इसका इसके लिए सुविधा केंद्र होने चाहिए, कौशल केंद्र होने चाहिए, ठीक है, इन सब की स्थापना, ये है स्मार्ट सिटी का समाधान। और इन्हीं सब चीज़ों से जो शहर है वो गतिशीलता को पकड़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा और स्मार्ट सिटी के रैंक में आगे की ओर अव्वल अपना स्थान दर्ज कराएगा। लेकिन अब जो ये हम कल्पना कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए ऐसी, तो इन सब चीज़ों के होने में कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों का भी हमें सामना करना है। और उन चुनौतियों में क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है कि आप ज़रा देखिए, भ्रष्टाचार। कई सारे प्लान है, कई सारी योजनाएं भारत सरकार की इस तरीके की बनती हैं, उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फंड जो है वो इन्वेस्ट होता है और वो जब राज्यों के पास जाता है तो राज्यों का भी इसमें कुछ हो सकता है कि योगदान रहे, लेकिन तमाम प्रकार के जो बिचौलिए होते हैं वो इस योजना के क्रियान्वयन और लागू कराने में लापरवाही भरते हैं और अपनी जेब को भारी करने में अपना ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार को रोकना कि योजना जो है वो 100% की ओर हमारे 100% इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़े, इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए समाज को। योजना की सही और समय सीमा तय नहीं है। तमाम प्रकार के स्मार्ट सिटी, जैसे प्रेजेंट टाइम में भी स्मार्ट सिटी के तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कोई शहर कितने समय में लक्षित कर लिया जाए और कितना समय लगना चाहिए, इसका वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो किताबी ज्ञान तो लिख दिया जाता है, डेटा तो लिख दिए जाते हैं कि इतने समय पूरा करना है, लेकिन इसका लक्ष्य किसी के माइंड में नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों के, तो समय सीमा सही से तय नहीं होती है। कोई विशेष तरीके का मास्टर प्लान नहीं होता है। वित्तीय संकट आते हैं, तमाम प्रकार से फंड कम पड़ जाते हैं, सुविधाओं का तमाम प्रकार से अभाव होता है और गैर केंद्रीय सरकार समर्थित राज्यों के साथ केंद्र सरकार का समन्वय स्थापित करना, ये सबसे बड़े चैलेंज के रूप में सामने आता है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रूलिंग पार्टी को
कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी कर सकती हैं। हालांकि ये स्वतंत्र लोकतंत्र की एक काफ़ी अच्छी सुविधा भी है, परंतु इसका दुरुपयोग भी कई जगहों पर देखने को आपको मिलता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको चैलेंजेस भी ध्यान में रखते हुए रखने पड़ेंगे अपने माइंड में, ठीक है। तो आपको अंततः जो है ये पता चलता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना कितनी महत्वाकांक्षी है और इसके लाभ जो हैं वो कितने व्यापक हैं, लेकिन इससे देश में इसको पारदर्शी बनाने के लिए देश में सुशासन जो है वो बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ आपको मालूम यहाँ पर स्पेलिंग का मिस्टेक है, आप इसे व्यापार लिख लीजिएगा सही से, कुछ स्पेलिंग के जो मिस्टेक्स हैं वो सही कर लिए जाएंगे। आप इतना तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा, आपको थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो तमाम प्रकार के आप देख सकते हैं कि महत्वाकांक्षी तो ये योजना है ही है और इसके लाभ भी व्यापक हैं और इससे देश में पारदर्शी सुशासन और व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा। मेरी ख्याल से स्मार्ट सिटी एक स्मार्ट सिटी तब कहलाएगी जब आप सड़क पे चलते हों, तो जब आप सड़क पे चल रहे हों तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिक लाइट होनी चाहिए, आपको दिखाई देनी चाहिए, ऑटोमेटेड लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। तमाम प्रकार से ऑटोमेटेड आपके जो जो चौराहे हैं उनमें जो रेड लाइट्स या कह सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स हैं वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। प्रबंधन मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा हो, ठीक है, जो कि नवीनीकृत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। सोलर लाइट्स के रूप में आपके ये सारी लाइट्स जो हैं वो सोलर लाइट्स के रूप में लगी होनी चाहिए। गैस का कनेक्शन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, लाइट का कनेक्शन आपके पास में होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपके पास में स्मार्ट स्कूल्स होने चाहिए। अब सपोज दैट मान लेते हैं किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टीचर का यहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो क्लास में किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाया तो उनका वो लेक्चर मिस ना होने पाए, इसलिए तुरंत इसका अरेंजमेंट होने के लिए आप किसी दूसरे स्कूल से कांटेक्ट करके आप यहाँ पर ई लर्निंग करा सकते हैं उतने समय, ठीक है, टेली लर्निंग करा सकते हैं, तो जिससे इन बच्चों का जो है वो नुकसान ना हो, ठीक है। तमाम प्रकार से मतलब जो भी बेसिक नीड्स हैं उनमें किसी प्रकार की रुकावटें ना आए, ठीक है। ऑपरेशन क्या नाम है जो आपके जो अस्पताल हैं, अस्पताल ये भी इसी प्रकार के प्रबंधन में जुटे होने चाहिए, ठीक, कि इनका भी मैनेजमेंट जो है बड़ी स्मार्टली किया जा रहा हो और नई नई टेक्नोलॉजी से लैस होने चाहिए। तमाम सारे जो आपके सरकारी अस्पताल हैं इवन उनको भी, खासकर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जहाँ पर आपको स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकती हों, तो ये सब चीज़ें हैं जो सरकार के सामने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब अंततः अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो ये हमें पता चलता है कि क्या सब सच में ये एक दिवा स्वप्न है। तो दिवा स्वप्न नहीं है, निश्चित रूप से इसको पूरा किया जा सकता है और इसको पूरा करने का विश्वास जगाने के लिए हमें देखना चाहिए अपना प्राचीन इतिहास। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मोस्ट सिविलाइज्ड सिविलाइजेशंस में से एक है और स्मार्ट सिटी का सबसे बेहतरीन नमूना है। तो जब हम इतने हज़ार वर्ष पहले स्मार्ट सिटी के रूप में इंडिया में रह सकते थे तो आज क्यों नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि ये चेजेबल है, आप इसे पूरा कर सकते हैं और हम और आप मिलकर के इस प्रयास को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो आप अपने निबंध लेखन में रख सकते हैं। अंत में आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए, इसमें आपको जो है तमाम प्रकार के स्टडी मटेरियल अब मैं प्रोवाइड कराऊंगा और ये जो लेक्चर है इसको कैसे लिखा जाएगा इसका पूरा पीडीएफ भी मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग जुड़ जाइए, बीईओ सफलता बैच जो है आप 2020 को सर्च करिए, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो पाएंगी। फिर भी अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इन नंबरों पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन नंबरों पर अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे तो फिर मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ने का प्रयास करूँगा। ये वो नंबर हैं, इनमें से आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, केवल इस नंबर पे, इस नंबर पे नहीं, ठीक है, कॉलिंग करने के लिए नंबर है पर आप इस नंबर पे हमको मैसेज करिएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में, ठीक, आप इसके पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। और सभी लोग जो यहाँ पर सक्षम हैं ज़रूर जो है चाहें तो ये निःशुल्क क्लास तो है ही है, लेकिन आप चाहें तो इस निःशुल्क क्लास को भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता का प्रदान करते हुए आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।